नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक का जो विषय है आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की। आज का विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, हमारे नए दर्शकों के लिए भी, हमारे पुराने दर्शकों के लिए भी बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाली है। आज के विशेषांक की जो खास बात है उसमें हमारे चैनल के एक बहुत ही अनन्य दर्शक हैं, काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और इनका नाम है जनार्दन मिश्रा जी, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। मिश्रा जी कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे चैनल के द्वारा एक विशेषांक प्रसारित किया गया था जिसमें बताया गया था कि कैंची धाम या महाराज जी के किसी भी धाम जाने के लिए जो व्यवस्थाएँ होती हैं वे महाराज जी ही तैयार करते हैं। इसी क्रमांक के संदर्भ में मिश्रा जी आगे कहते हैं कि इस विशेषांक को देखने के पश्चात उन्होंने कैंची धाम जाने का मन बनाया। वैसे तो मिश्रा जी कहते हैं कि कैंची धाम जाने के लिए वो काफ़ी समय से प्रयासरत थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता के कारण वे कैंची धाम, उनका जो विचार विमर्श था वो केवल विचार में रह जाता था और कैंची धाम वो जाने में असमर्थ रहे थे काफ़ी समय से। लेकिन मिश्रा जी आगे बताते हैं कि आपके इस विशेषांक से हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी, और जिसके फलस्वरूप मिश्रा जी आगे बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में महाराज जी के दर्शन हुए और महाराज जी के दर्शन में उन्होंने पाया कि महाराज जी कहते हैं कि अब तुम कैंची धाम हुआ हो, इस प्रकार से उन्होंने महाराज जी के शब्द सुने। और इसी के फलस्वरूप मिश्रा जी आगे कहते हैं कि ना जाने कब कैसी व्यवस्था हो गई महाराज जी के आशीर्वाद से कि उनका कैंची धाम जाने का अचानक से उनकी एक व्यवस्था हो गई और उन्होंने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की हुई थी, उनका ऐसा कुछ जिसे आप कह सकते हैं उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत कैंची धाम जाना पड़ेगा। तो मिश्रा जी आगे कहते हैं कि ऐसी महाराज जी की कृपा हुई, ऐसे अचानक महाराज जी ने अपने पास अपने धाम बुलाने के लिए उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी कि अचानक से गाड़ी का इंतजाम हो गया, परिवार के जो और जन हैं वे भी शामिल हो गए इस यात्रा में। और मिश्रा जी आगे कहते हैं कि उनका एक स्वप्न था कि जब भी वो महाराज जी के दर्शन करने जाएं तो सपरिवार जाएं, और मिश्रा जी कहते हैं कि ऐसी कृपा हुई महाराज जी की, सपरिवार एक सभी जन तैयार हो गए कैंची धाम जाने के लिए और अचानक ही व्यवस्था हो गई और अभी कुछ ही दिन पहले महाराज जी के दर्शन वे करके आए। अब मिश्रा जी आगे लिखते हैं कि कैंची धाम में उनके साथ एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही चमत्कारिक अनुभव हुआ, जो उन्होंने सोचा नहीं था कि महाराज जी उन्हें इस स्वरूप में दर्शन देंगे। मिश्रा जी आगे बताते हैं कि जैसे ही वे कैंची धाम पहुँचते हैं मौसम बहुत सुहावना है, क्योंकि आप जानते ही हैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ उत्तराखंड में कैंची धाम में वर्षा का माहौल था, बारिश हो रही थी और मौसम भी अचानक बदल रहा था। लेकिन मिश्रा जी कहते हैं कि उस दिन ऐसा लग रहा था रास्ते में, पूरे रास्ते भर में ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी स्वयं उन्हें बुला रहे हैं और महाराज जी उनकी वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मन में इतने अद्भुत विचार महाराज जी के लिए आ रहे थे। मिश्रा जी आगे कहते हैं कि जब हम कैंची धाम में हमने जैसे ही प्रवेश किया है, हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, वैष्णो माता के दर्शन हुए हैं, और जैसे ही मिश्रा जी बताते हैं कि मैं महाराज जी के जो अमृत स्वरूपी विग्रह है महाराज जी का, वहाँ पर जैसे ही महाराज जी के दर्शन कर रहा था मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, सर झुकाया और अपनी प्रार्थना महाराज जी के समक्ष कही, और जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना, जैसे ही उन्होंने महाराज जी के समक्ष रखी है, उसके पश्चात जब उन्होंने महाराज जी के विग्रह के पुनः दर्शन किए तो मिश्रा जी कहते हैं कि मुझे महाराज जी के विग्रह में स्वयं साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए और ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मिश्रा जी आगे लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने महाराज जी के विग्रह में दर्शन किए हैं तो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं श्री बजरंग बली वहाँ पर बैठे हैं, और आगे बताते हैं कि ऐसे अद्भुत दर्शन जैसे साक्षात हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हो, और मुस्कुराते हुए उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। मिश्रा जी कहते हैं कि मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा ऐसे बह रही थी मानो ये कभी रुकेगी ही नहीं, ऐसा अद्भुत वहाँ पर उन्हें महाराज जी के विग्रह में साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। और उसके पश्चात वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी मन की सभी बातें महाराज जी के समक्ष कह दी। मिश्रा जी जो है हमारे चैनल के बहुत ही पुराने अनन्य दर्शक हैं और बताते हैं कि सारे विशेषांक उन्होंने देखे हैं, उन्होंने बताया, दूसरे एक विशेषांक का भी जिक्र किया है, उन्होंने लिखा है कि आप जैसे बताते हैं कि जिस प्रकार से महाराज जी के स्वरूप में
अपने इष्ट के भी दर्शन हो सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। और उन्होंने आगे लिखते हैं कि जैसा चैनल के माध्यम से बताया जाता है कि आप अपने मन की बात यदि महाराज जी से कह देते हैं तो वो तुरंत सुन लेते हैं। और मिश्रा जी आगे इसी में क्रम जोड़ते हुए कहते हैं कि हमारे घर में भी महाराज जी के स्वरूप, महाराज जी की जो छवि चित्र है, वे उनके घर में भी विराजमान है महाराज जी का। उन्होंने अपनी सारी बातें महाराज जी से कहना प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप आज उन्हें महाराज जी ने उनकी बात सुन ली और उन्हें कैंची धाम में दर्शन प्राप्त करवाए। तो इस संदर्भ में आप सभी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा। और अंततः जो मिश्रा जी हैं उन्होंने चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, और मैं भी मिश्रा जी का बहुत ही सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वह इतना स्नेह हमारे चैनल को प्रदान करते हैं। और साथ साथ हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप ही के स्नेह से महाराज जी की अद्भुत विशेषांक आप सभी के लिए लेते आए हैं। इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखिएगा ताकि आपके लिए हम महाराज जी की अद्भुत कथाएँ, विशेषांक, अद्भुत अनुभव जो होते हैं वे आपके साथ साझा कर सकें। तो इसी प्रकार से, इसी क्रम में मैं आगे एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आपकी भी कोई प्रतिक्रियाएं हैं, आपके भी कोई अनुभव हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर अपने अनुभव भेज सकते हैं। ईमेल आईडी का जो पता है वे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, servguruji@gmail.com। यहाँ पर आप अपने सभी अनुभव हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ईमेल आईडी का पता प्राप्त कर सकते हैं और अपने अनुभव आप भी शामिल कीजिए। आपके अनुभव भी हम अपने सभी दर्शकों से साझा करेंगे, जिसमें जानकारी हो महाराज जी से संबंधित वे सभी के साथ साझा किया जाएगा। तो आप भी हमें प्रतिक्रियाएँ लिख सकते हैं। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही किसी अद्भुत विशेषांक के साथ पुनः फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।